पुरानी पेंशन बहाली संगठन ने मैहर में महाकुंभ का आयोजन किया। कार्यक्रम में आम लोगों के साथ मैहर भाजपा विधायक नारायण त्रिपाठी भी शामिल हुए। इस मौके पर नारायण त्रिपाठी ने कहा कि पुरानी पेंशन बहाली हर सरकारी कर्मचारी का अधिकार है, ताकि अपने बच्चों और परिवार का भविष्य सुरक्षित कर सकें। मैहर भाजपा विधायक नारायण त्रिपाठी ने पुरानी पेंशन बहाली संगठन महाकुंभ की शुरुआत माँ शारदा के दर्शन के साथ की। इस मौके पर भाजपा विधायक नारायण त्रिपाठी ने कहा कि पुरानी पेंशन बहाली हर सरकारी कर्मचारी का अधिकार है, उन्हें ये मिलना ही चाहिए। ये लड़ाई सभी को समुचित रूप से एकत्रित होकर लड़नी पड़ेगी। चार राज्यों में ये योजना पहले से संचालित है, मध्य प्रदेश में भी ये लागू हो। उन्होंने कहा, सभी को अपनी आवाज बुलंद करने के लिए राजधानी भोपाल में जाकर अपनी बात को रखना चाहिए, इसमें वे हर संभव मदद करेंगे। उन्होंने कहा, मांगों को पूरा करने के लिए वे पत्र लिखेंगे। इस दौरान पेंशन महाकुंभ के पदाधिकारियों के साथ बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। जो नौकरी चाकरी कर रहा है, इस प्रदेश की सेवा कर रहा है, अपने अपने विभागों में लगकर लगातार इस प्रदेश को आगे ले जाने का काम कर रहा है, उस कर्मचारी का मौलिक अधिकार बनता है कि उनके बाल बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए ओल्ड पेंशन योजना का लाभ इन्हें मिलना चाहिए। जो चार चार स्टेट ओल्ड पेंशन योजना लागू कर चुकी है, हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी भी, मेरी आग्रह और अपील है कि आज मैहर देवी धाम में ये सब लोग इकट्ठा हुए हैं, ओल्ड पेंशन योजना लागू करके इनके बाल बच्चों का भविष्य भी बेहतर करें। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।